स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो गूगल मैप को जैसे ही हम ओपन करेंगे, डिफ़ॉल्ट जो पेज होगा वो होगा एक्सप्लोर। और लिस्ट की ज़रूरत कैसे आन पड़ी, ये भैया कनेक्ट लाइव 2020 के लिए एक नेसेसरी पार्ट है और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। तो यहाँ पे जब आप होम पेज पे आते हैं तो थर्ड टैब जो होगा वहाँ पे हमने जाना है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस मेरी कुछ लिस्ट बनाई हुई हैं जो कुछ टाइम पहले बनाई थी, और या कुछ डिफ़ॉल्ट बन जाती है जब आप अपना जो इंटरेस्ट शो करते हो किसी प्लेस को कि फ्यूचर विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे आप सबसे टॉप में देखेंगे ना तो न्यू लिस्ट का ऑप्शन रहता है, जहाँ से क्लिक करके आपको नई लिस्ट बनानी होती है। नई लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको इस लिस्ट को नाम देना होगा कि टाइटल, जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक टाइटल दे के आपको इसको शुरुआत करनी होगी। और जैसे शुरुआत करेंगे इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन गूगल ने अपने आप दे दिया, जिसमें आपको अपनी जो इम्प्रूवमेंट की या जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है वो चीज़ें अपने आप दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर नेम होगा, दूसरी बार डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में आपको कुछ बताना होगा कि क्या रीज़न रहे हैं आपके इस लिस्ट को बनाने के, या फिर कुछ एडिशनल डिटेल आप अगर देना चाहें। तो जैसा कि अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक लिस्ट बनाने की शुरुआत करूं कि मेरे को जैसे ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ कि बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट फॉर छोले भटूरे या हैव छोले भटूरे इन दिल्ली NCR, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ तो मुझे कुछ प्लेसेस याद हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी या मेरे फ्रेंड या नेबर में कुछ जो भी गूगल मैप एक्सेस करें, मैं चाहता हूँ कि उन प्लेसेस पे जाएं और छोले भटूरे का मज़े लें अगर ब्रेकफास्ट में सोच रहे हैं। तो मैंने जैसे इसको नाम दिया, नाम देने के बाद हमें डिस्क्रिप्शन में कुछ इसका लिखना होगा कि क्यों मैं ये प्लेस रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद विज़िट किए हैं। तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यही है कि आप वही चीज़ें रिकमेंड करें जो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस की हो, ऐसा नहीं कि आपने गूगल मैप पे देखे कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं तो हम रिकमेंड कर रहे हैं। तो जो आपका एक्सपीरियंस हो उसी के बेसिस पे आप लिस्ट बनाएंगे। तो जो यहाँ पे मैं लिस्ट बना रहा हूँ वह एक सैम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। मैंने एक जो कनेक्ट लाइव एप्लीकेशन के लिए अपनी लिस्ट एक बना दी है, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि लिस्ट में कैसे कुछ आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप अपनी मर्ज़ी से, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया आपको, कि जो आपका एक्सपीरियंस हो या जो ऐसी चीज़ें इन जनरल लोग रिव्यूज़ में नहीं लिखते हैं या जो आपने बिहेवियर नोटिस किया हो वो लिख सकते हैं। दो एक आगे कॉलम भी आएगा जिसमें आप किसी प्लेस के बारे में स्पेसिफिक नोट डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ नोट्स जो हैं मैंने डाल रखे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है जिससे कि आप एंड यूज़र को एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जो आपने एक्सपीरियंस की हो। तो इसमें तीन ऑप्शन है, जैसे यूट्यूब के वीडियोज़ के लिए होता है पब्लिक, शेयर्ड और जो प्राइवेट, तो आपको इसको पब्लिक कैटेगरी में रखना है। और नीचे जो आप कस्टमाइज का ऑप्शन देख रहे हो इसको यस या नो करो, ये आपकी मर्जी है, ताकि आप प्लेसेस को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। लाइक अभी आपने जैसे कि 10 प्लेस सिलेक्ट कर लिए, 10 में से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं फर्स्ट या सेकंड के लिए। अब हमें क्या करना होता है, इसमें ऐड प्लेस जैसा है क्लिक करेंगे, जैसे ही मान के चलो मैंने भोगल लिखा, सबसे ऊपर जो है प्लेस आ गया, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ऐसे ऐसे करके मेरे को टोटल 5 या 5 से ज़्यादा प्लेसेस सिलेक्ट करने, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास 10 ऐसे प्लेसेस हैं जिन पे एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा या आप लोगों को चाहते हैं रिकमेंड करना, तो बस कनेक्ट लाइव का दिमाग में मत रखिए, ये देखिए कि अगर किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जैसे अगर मैं फूडी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जिन जिन जगह पर मैंने भटूरे खाए हैं सब लोग खाएँ और वहाँ पर आनंद लें उन भटूरों का। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया है, और लिस्ट में ऐड करने के बाद एक और चीज़ देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एडिशनल नोट डालने का भी ऑप्शन मिल रहा है जो कि डाल सकते हैं। तो अगर भोगल छोले भटूरे वाला जो है ये CP के पास है, इसमें एक एडिशनल नोट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऐसा डाल सकते हैं हम, क्योंकि ये जो प्लेस है वो पब्लिक हॉलीडेज़ के दिन बंद रहता है, मतलब संडे को भी ये बंद रहता है। तो दो बार मेरे को सरप्राइज़ मिला, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और जो तीसरा बंदा तीसरा या फिर कोई और यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खाने जा रहा है तो उसको भी सरप्राइज़ मिले मेरी तरह, और खाली मुड़ना ना पड़े, अगर वो मतलब भटूरे जैसा मुँह ना बने, भटूरा खा के ही वो वापस आए। तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ जो अवेलेबल होती है उसमें से किसी एक फ़ोटो को भी आपने चूज़ करना हो जो आपको लगता है कि बेस्ट डिस्क्राइब करती है उस प्लेस को, तो वो भी एक चूज़ करेंगे जो कि एक प्लस पॉइंटर। आप ऊपर देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट योर लिस्ट में, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन को अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि क्या चीज़ ऐसी हैं जो अभी आपने कंप्लीट नहीं की है, और अगर इन सभी चीज़ों को आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपकी जो लिस्ट है वो ग्रीन में आ जाएगी और इम्प्रूव्ड भी दिखेगी अपने आप, जो कि एक मैं कह सकता हूँ कि मैंडेटरी पार्ट भी कह सकता हूँ, और जो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है जिससे आप इजीली समझ पाओगे कि मतलब हमारा काम जो है लिस्ट बनाने का वो सारा पूरा हो गया है। तो
लिस्ट में आप एटलीस्ट 4 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, लेकिन गूगल की जो रिक्वायरमेंट है कनेक्ट लाइव के लिए वो 5 या 5 मोर देन 5 प्लेसेस की है, तो एटलीस्ट 6-7 प्लेस तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डाल दीजिए। और एक फ़ोटो सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ईजी है, मतलब काम इसमें कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा समझने का। अगर मैं इसको डिस्कार्ड करके जो मैंने लिस्ट बनाई है मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है मैंने बनाई है, जैसा कि आप देख सकते हो टाइटल लिखा है मैंने, टाइटल के बाद थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा है। और इस लिस्ट बनाने का बेनिफिट ये भी है, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, अगर कोई भी कल को आपको अगर पूछता है कि कौन से ऐसे प्लेसेस जहाँ मैं छोले भटूरे एंजॉय कर सकता हूँ इन माई केस, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे या फिर किसी भी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे कि देख पा रहे हैं हर एक प्लेसेस की मैंने एक एक फ़ोटो को जो है सिलेक्ट कर दिया है, और ये जो लिस्ट है हमारी रेडी है बनके। ऐसे ही आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को बना देखने के लिए, और अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी सवाल हैं जो मेरे से पूछने चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके रिप्लाई करने की। थैंक यू दोस्तों।